हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। दोस्तों आज का क्वेश्चन अपना है प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिले, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी यानी सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी क्रय मूल्य और एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुछ नहीं करना, जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बना ले, विक्रय दे रखा है इसको क्रय बना ले, यानी कि अपना सीपी क्या हो गया 25 हो गया, और जो सीपी दे रखा है इसको एसपी बना ले, सेलिंग प्राइस बना ले। ठीक है, यानी कि विक्रय दे रखा है इसको अपन क्रय बना लिया, और क्रय दे रखा है इसको अपन विक्रय बना लिया। ठीक है, यानी कि अब वस्तु क्या है, 25 में खरीदी और 20 में बेची। ठीक है, 20 में उसको बेची, तो सीधा सा ऐसा हो रहा है कि 25 में खरीदी और अपने 20 में उसको बेची, तो क्या हुआ दोस्तों, 5 रुपये का अपनों को नुकसान हुआ, 5 रुपये की हानि हुई। तो 5/25 इंटू 100/1, 5 से काटा 5/25 और 5 से काटा 5×10, यानी कि 20% के अपनों को हानि हुई। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, बी ऑप्शन राइट आंसर, कि 20% की उसको हानि हुई। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अपना है कि दो बेलों में प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचने पर एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो दुकानदार को इस सौदे में क्या मिला, उस व्यापारी को सौदे में क्या मिला। देखिए तो यह दुकानदार नहीं होगा, व्यापारी होगा, क्यों, बेल का व्यापार करता है, न तो लाभ न हानि, 2% लाभ 1% हानि 4% क्या है। दोस्तों इसके लिए पहले बहुत सी बार वीडियो बना चुका हूँ मैं और आज भी बना रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, जो बराबर परसेंट में उसको लाभ हो और बराबर परसेंट में उसको हानि हो, ठीक है, जब लाभ और हानि दोनों बराबर परसेंट में हो, यहाँ पे विक्रय मूल्य कुछ भी हो, चाहे 1 रुपये में बेचे चाहे 1 करोड़ में बेचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ इस चीज़ से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको आप भूल जाए, बस इसने बेचा है, इस संख्या को आप भूल जाए, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों दो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक तो है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 वाली ट्रिक। ठीक है, एक्स मतलब उसको लाभ हो रहा तो प्लस का 10, 20 हानि हो रही तो माइनस का 20, प्लस प्लस के 20 इंटू माइनस के 20 बट्टा 100, कि प्लस के 20 से माइनस के 20 कट गए, 20 कितना हुआ, माइनस के 400/100, 2 सिपर कट गए बराबर -4, यानी कि 4% की उसको हानि। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। एक तो विधि से ऐसे होता है, दूसरा ट्रिक से। ट्रिक से देखिए, देखिए उभयनिष्ठ, जब भी उसको बराबर परसेंट में लाभ हो बराबर परसेंट में हानि हो तो कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना। देखिए 20% / 10 इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, 20 कितना होगा, 400/100, 2 सिपर कट गई बराबर 4% की उसको हानि। ये दो ट्रिक थी, ट्रिक नंबर 1 थी, ट्रिक 2 और ट्रिक 3। देखो ट्रिक तीसरी आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए वो क्या होगी, देखिए वृद्धि परसेंट इंटू कमी परसेंट, देखिए वृद्धि प्रतिशत गुणित कमी प्रतिशत बटा 100, तो वृद्धि प्रतिशत कितना है 20, कमी प्रतिशत कितना है 20/100, 2 सिपर कट के बराबर 2×2=4, 4% के अंदर, यानी कि 3 ट्रिक ऐसी मिल गई आपको जो आप 1 सेकंड में उसको सॉल्व कर लोगे। आप चाहे जिससे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई विधि से सॉल्व करो तो कर सकते हो, ये डायरेक्ट विधि से हल कर सकते हो, और एक वृद्धि कमी परसेंट की विधि है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।